नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सेकंड ग्रेड टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देख रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हमारी ये फर्स्ट क्लास है। और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपकी आरपीसी की बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही हैं और आगे आने की बहुत ही अधिक संभावना है। और ये पूरा का पूरा जो मैटर है आपका, जितने भी जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, सभी एनसीईआरटी की बुकों से तैयार किए गए हैं। ये जो टॉपिक है आपके सेकेंड ग्रेड के साथ साथ में नीट 2023, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें आपका जनरल साइंस पूछा जाता है, तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने जो टॉपिक देखे उनके अंदर आपका प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, जेनेटिक्स है, ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक देख लिए हैं। उनको भी अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी शब्द है ये किसने दिया था? तो जैव प्रौद्योगिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है कार्ल इरेकी, सेकंड है मेंडल, थर्ड है वोइटमैन, वोइटसन और वाटसन, सॉरी हिंदी में थोड़ा सा ऐसे लिखा, फोर्थ है जॉनसन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, कार्ल इरेकी की द्वारा जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द ये दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, जैव प्रौद्योगिकी का उदाहरण नहीं है, जैव प्रौद्योगिकी का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है दूध से दही व पनीर का निर्माण, यानी जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? किसी भी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का प्रयोग करके उससे कुछ हमारे लिए लाभदायक जो चीजें हैं उनका निर्माण करना, या हमारे बेनिफिट के लिए उनका प्रयोग करना ही क्या जैव प्रौद्योगिकी है। सेकेंड है गन्ने के रस से सिरके का निर्माण करना, एसिटिक एसिड। थर्ड है शर्करा से बियर का निर्माण करना, और ये तीनों ही जो प्रोसेस की हम बात करें तो ये फर्मेंटेशन यानी किण्वन की अभिक्रियाएं हैं, किण्वन। और किण्वन में हम क्या करते हैं, जो ईस्ट बैक्टीरिया है या फिर हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन फोर्थ है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी से औषधि का निर्माण करना, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से ड्रग का निर्माण करना, ये क्या है? ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो यहाँ पर देखो, दूध से दही और पनीर का निर्माण, गन्ने के रस से सिरके का निर्माण, शर्करा से बियर का निर्माण, ये सभी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है। जबकि ऑप्शन डी वाला ये पुनर्योगज डीएनए तकनीक जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये भी हमें याद करना है, विलियमसन के द्वारा ये शब्द दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम भेड़ का क्लोन कौन सा है? प्रथम भेड़ का क्लोन, ऑप्शन फर्स्ट है पोलो, सेकंड है मोली, थर्ड है जोली और फोर्थ है डोली। अब देखो क्लोन होता क्या, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। देखो जैसे पेरेंट्स होते हैं जो पैतृक होते हैं, पैतृक के समान ही या किसी एक जो गेमेट्स सामान्यतः बनते हैं उनमें से किसी एक को लेकर के उसके पैतृक के समान ही जो संतान उत्पन्न होती है, कोई डिफरेंट नहीं होता इनमें, सेम टू सेम संतान होती है, तो उसे ही हम क्लोन कहते हैं। अब सबसे पहले क्लोन जो तैयार किया गया था ये इयान विलमुट के द्वारा किया गया था, इयान विलमुट के द्वारा, और इन्होंने जो प्रयोग या क्लोन किया था ये भेड़ का प्राप्त किया था, भेड़ का क्लोन। और जो भेड़ क्लोन प्राप्त हुई थी उसको नाम क्या दिया था? तो उसे डोली नाम दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, डोली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डोली भेड़ निर्माण में किस काई कोशिका के केंद्र का उपयोग किया गया था? यानी कि डोली भेड़ का निर्माण वो यान विलमुट के द्वारा किया गया था, इसमें कौन सी जो काई कोशिका है उसका प्रयोग किया गया था? अब देखो यहाँ पर हम बात करें, ऑप्शन फर्स्ट है ब्लैक फेस भेड़ के स्तन कोशिका का केंद्रक, सेकंड है डोरसेट भेड़ के अंडे का केंद्रक, थर्ड है ब्लैक फेस भेड़ की जो ब्लैक फेस भेड़ की जो अंडा है उसका केंद्रक। तो यहाँ पर देखो ब्लैक फेस भेड़ के स्तन कोशिका का केंद्रक, डोरसेट भेड़ के अंडे का केंद्र, डोरसेट भेड़ के तो स्तन था उससे केंद्रक निकाला गया था, ब्लैक फेस भेड़ की जो स्तन कोशिका उसका केंद्रक लिया गया था, जो सॉरी अंडे की जो अंडे का जो केंद्रक है वो लिया गया था। किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये इयान विलमुट के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है मेंडल, सेकंड है कैरी मूलिस, थर्ड है वॉटसन और फोर्थ है रॉबर्ट हुक। तो इसका आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, कैरी मूलिस के द्वारा पीसीआर की खोज की गई थी। और इसके अंदर क्या होती है, जो डीएनए होता है, डीएनए उसकी कॉपियां तैयार की जाती है डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पेनिसिलिन, पेनी यह है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन पेनिसिलिन की खोज ये किसके द्वारा की गई थी? पेनिसिलिन क्या एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है और इसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सेकंड है रॉबर्ट हुक ने, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन ने और फोर्थ है वॉटसन ने। अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो पेनिसिलिन नोटेटम है, पेनिसिलिन पेनिसिलिन नोटेटम जो इस्ट होता है, कवक है, सॉरी यहाँ इसमें फंजी, जो कवक होता है, इससे 1829 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, जो पेनिसिलिन नामक एक प्रतिजैविक प्राप्त किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जेनेटिक इंजीनियरिंग शब्द ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, जैक विलियमसन के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बायोचिप का निर्माण है कब हुआ था? तो ऑप्शन फर्स्ट है 2011, सेकेंड 1991, थर्ड 1919, फोर्थ है 2001। तो बायोचिप इसका जो निर्माण है वो 1991 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में आता 9, एशियन गोर का क्लोन कौन सा है? तो एशियन गोर का क्लोन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन फर्स्ट है रोजी, तो रोजी किसका क्लोन है, तो ये गाय का क्लोन है, गाय का। सेकेंड है नोब, तो ये नोब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोब जो होता है ये एशियन गोर का क्लोन होता है। डोली, पोली, डोली की हम बात करें तो इसकी बात कर चुके हैं, ये भेड़ का क्लोन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में आता 10, डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा है? तो डीएनए को विखंडित या इसके टुकड़े करने वाला एंजाइम कौन सा? ऑप्शन फर्स्ट है लाइगेज, सेकंड है पॉलीमरेज, थर्ड है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और फोर्थ है सभी। अब देखो लाइगेज ये तो जोड़ने का कार्य करता है, डीएनए को टूटे हुए भाग को जोड़ने का कार्य करता है। पॉलीमरेज ये डीएनए का संश्लेषण करता है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ऐसे एंजाइम के प्रकार होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यही एंजाइम है जो डीएनए को क्या करता है, इसकी विशिष्ट प्रकार की जो साइट होती है, विशिष्ट खंडों का जो अनुक्रम होता है उस पर कट लगाता है और उन भागों को चिपचिपा बनाता है। ये होते हैं मुख्य रूप से हम बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं, एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो कि बीच में कटिंग करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज अंदर की ओर कटिंग का, एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक्जोन्यूक्लिएज जो बाहर की ओर कटिंग कर रहा है, एक बीच में करने वाला होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ये क्या करता है, डीएनए को किसी विशिष्ट खंड से काटने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी जीव के मूल डीएनए में बाहरी डीएनए जोड़ने की तकनीक क्या कहलाती है? कोई भी मूल डीएनए है अगर उसमें हम कोई जो बाहरी डीएनए, विदेशी डीएनए जोड़ते हैं तो इसको जोड़ने की तकनीक है ये क्या कहलाती है? ऑप्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टेक्नोलॉजी, टी डीएनए टेक्नोलॉजी, एम डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। इसी के अंदर क्या किया जाता है कि डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है इसको मूल डीएनए में डीएनए को जोड़ करके ये क्रिया करवाई जाती है। देखो सामान्य तो होता क्या है, एक तो इसमें प्लाज्मिड लिया जाता है, प्लाज्मिड को कट लगाई जाती है किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के द्वारा, एक जो फॉरेन डीएनए होता है वो होता है। अब क्या करते, कट लगाने के बाद डीएनए का इस प्रकार से ये टुकड़ा बच जाता है, इस प्रकार से हम बनाए तो ये खाली टुकड़ा बचा, यहाँ पर इस डीएनए को इंसर्ट करवाते हैं और फिर इसको क्या करते हैं हम, बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज जो वाहक होते हैं उसके अंदर डाल देते हैं, फिर इसकी बहुत सारी कॉपियां बन जाती हैं, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बाद में क्वेश्चन 11 के बाद में आता है 12, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की खोज किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, सेकंड है स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोवर, थर्ड
थर्ड वाटसन एंड क्रिक, और फोर्थ सभी। तो ये ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोर के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोजें किसके द्वारा की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आर फर्स्ट ग्रेड, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में ही पूछा जा चुका है। फर्स्ट है स्मिथ, सेकंड है नाथन, थर्ड है आर्बर और फोर्थ है सभी। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज है वो स्मिथ, नाथन, आर्बर इन तीनों के द्वारा की गई थी और इनके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया जा चुका है। 1978 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, प्राकृतिक रूप से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से हम बात करें तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस में मिलता है नेचुरल रूप से। ऑप्शन पहला है ई कोलाई, सेकंड है बेसिलस थुरिंजिस भी हम बोल सकते हैं सामान्यतः, थर्मस एक्वाटिकस। तो यहाँ पर हम बात करें ई कोलाई, बेसिलस और थर्मस एक्वाटिकस, इन तीनों में ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जाता है प्राकृतिक रूप से हम बात करें तो। इसके बाद में क्वेश्चन आता है 14 के बाद में 15, M13 उदाहरण है ये किसका उदाहरण। ऑप्शन पहला है प्लाज्मिड, सेकंड है कोसमिड, थर्ड है बैक्टीरियोफेज और सभी। अब यहाँ पर देखो, एक तो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, ओस्मिड, बैक्टीरियोफेज, ये सभी क्या हैं, ये क्या आते हैं, वाहक होते हैं, ये डीएनए का वहन करने वाले होते हैं, वेक्टर होते हैं। इनमें पूछा है एक M13 नाम का जो वाहक होता है ये किस किस प्रकार का, ये बैक्टीरियोफेज या कोसमिड या प्लाज्मिड है। तो इसका आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, जो बैक्टीरियोफेज है यही है M13, जो बैक्टीरियोफेज है उसी का प्रकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ह्यूमुलिन क्या होता है। ह्यूमुलिन ऑप्शन फर्स्ट है एंजाइम, सेकंड है इंसुलिन, थर्ड है एंटीबायोटिक और फोर्थ है विटामिन। अब देखो यहाँ पर ह्यूमुलिन जो होता है ये कृत्रिम रूप से तैयार किया गया एक इंसुलिन है, कृत्रिम रूप से तैयार इंसुलिन है। अब सामान्यतः हम बात करें तो इंसुलिन हार्मोन हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके प्रभाव से किसके द्वारा स्रावित होता है ये, और ये आपकी जो अग्नाशय ग्लैंड होते हैं पेंक्रियाज ग्लैंड जो होती है उसके द्वारा स्रावित होता है। और इसकी कमी होने से क्या होता है, हम जो व्यक्ति होते हैं जो सामान्यतः ह्यूमंस होते हैं उनमें शुगर की जो बीमारी डायबिटीज जिसे बोलते हैं वो हो जाती है। अब इस रोग को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, कुछ कार्य करना शुरू किया और इन्होंने ह्यूमुलिन की खोज कर दी और इसमें जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसका प्रयोग किया गया था वेक्टर के रूप में। ह्यूमुलिन की खोज की गई तो ये किस प्रकार का है, एक इंसुलिन है, एक हार्मोन, हार्मोन है, एक हार्मोन का प्रकार है ह्यूमुलिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, आर डीएनए को क्या कहते हैं। आर डीएनए यानी कि जो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जो रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी है, डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें हम जो आर डीएनए काम में लेते हैं तो इस डीएनए को हम क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है काइमेरिक डीएनए, सेकंड है प्लाज्मिड, थर्ड प्लाज्मिड, फोर्थ है वेक्टर डीएनए और फिफ्थ फोर्थ हो जाएगा फेजमेट, सॉरी फेजमेट। देखो प्लाज्मिड और जो फेजमेट होते हैं ये तो वेक्टर होते हैं और वेक्टर डीएनए ये कोई होता नहीं है, तो सामान्यतः इसी के प्रकार है वेक्टर डीएनए, हम प्लाज्मिड और फेजमेट को कहते हैं। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसमें हम काइमेरिक डीएनए काम में लेते हैं जिसे हम विदेशी डीएनए भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोट में जीन स्थानांतरण हेतु प्रयुक्त प्लाज्मिड है। द्विबीजपत्री में जीन स्थानांतरण हेतु जो जीन ट्रांसफर के लिए प्रयुक्त प्लाज्मिड कौन सा आता है। ऑप्शन बेस्ट है PBR 322, सेकंड है PBR 235, थर्ड है TI प्लाज्मिड, फोर्थ है कोसमिड। अब देखो यहाँ पर जो डीएनए पूछता सामान्यतः हम बात करें तो वो तो हो जाता TI प्लाज्मिड वाला, लेकिन जो सामान्यतः पूछा कि प्लाज्मिड कौन सा, तो ये PBR 322 हो जाएगा जिसका प्रयोग हम डाइकोट प्लांट में जीन स्थानांतरण के लिए करते हैं। जो TDNA होता है ये इसी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, डीएनए खंडों को पहचानने की विधि क्या कहलाती है। जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं, डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं टुकड़े होते हैं उनको पहचानने की विधि क्या कहलाती है। ऑप्शन पहला है सर्दन टेक्निक या सर्दन ब्लोटिंग भी कहते हैं इसे, सेकंड है नर्दन ब्लोटिंग और फोर्थ है वेस्टर्न ब्लोटिंग और फोर्थ हो जाएगा सभी। अब देखो डीएनए की खंडों को पहचानने के लिए जो ब्लोटिंग या टेक्निक काम में लेते हैं उसे कहते हैं सर्दन ब्लोटिंग। जो नर्दन ब्लोटिंग है इसमें आरएनए के खंडों को पहचाना जाता है, इसके उनको अलग किया जाता है। वेस्टर्न ब्लोटिंग में प्रोटीन को हम अलग किया करते हैं।
तो ये ध्यान में रखना है। और इस जो टेक्निक के अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट है, एक तो वो और एक हो जाएगा साइज। साइज के आधार पर इनको अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अनुवांशिक रूपांतरित जीवों को क्या कहते हैं, यानी कि हम जो जीन का निर्माण करते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन होती है उसको ट्रांसफर करते हैं किसी जीव में, तो उस जीव को क्या करते हैं जिनमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जीन ट्रांसफर की गई है। ऑप्शन फर्स्ट है जीएमओ, सेकंड है पीएमओ, थर्ड है सीएमओ और फोर्थ है सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन्हें कहा जाता है जो आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, आनुवंशिक अभियांत्रिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है वॉटसन, सेकंड है पोलबर्ग, थर्ड है केरीमुलिस, फोर्थ हो जाएगा क्रिक। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग सबसे पहले पोलबर्ग ने किया था और इन्होंने बहुत ही शानदार कार्य किया था आनुवंशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, लंबे डीएनए खंडों की क्लोनिंग के लिए उपयुक्त वाहक चाहिए। देखो छोटे डीएनए के खंड होते हैं उनके लिए तो हम प्लाज्मिड काम में ले सकते हैं, प्लाज्मिड वेक्टर के रूप में, लेकिन जब लंबे डीएनए के खंड होते हैं उनके लिए हम क्लोनिंग के लिए वाहक कौन सा यूज करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है फेज वेक्टर, सेकंड है बैक्टीरियल प्लाज्मिड, थर्ड है ईस्ट प्लाज्मिड और फोर्थ है कॉस्मिड। अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो जो लंबे डीएनए के खंडों की क्लोनिंग के लिए जो काम में लेते हैं वो है फेज वेक्टर काम में लेते हैं, फेज वेक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, जैव तकनीकी में प्रयुक्त जो बायोटेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसमें प्लाज्मिड PBR 322 क्या है, PBR 322। ऑप्शन फर्स्ट है ईस्ट, सेकंड है M13 फेज और थर्ड है पैरासाइट और फोर्थ है क्लोनिंग व्हीकल। अब देखो जैव तकनीकी में हम जो प्रयुक्त करते हैं ये जो प्लाज्मिड PBR 322 वेक्टर के रूप में काम में लेते हैं, वाहक के रूप में, या कि इसके अंदर डीएनए डाला जाता है और इसको हम जो द्विबीजपत्री प्लांट्स होते हैं उसमें इसको डाला जाता है, इससे डीएनए उसमें ट्रांसफर करवाया जाता है, तो क्लोनिंग व्हीकल के रूप में काम में लेते हैं प्लाज्मिड PBR 322 को। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो टीआई प्लाज्मिड निम्न की कोशिकाओं का रूपांतरण करता है। तो टीआई प्लाज्मिड ये हमने बात कर ली, ये PBR 322 के अंदर पाया जाता है जो कि द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं, डाइकोट प्लांट्स होते हैं, उनमें डीएनए का स्थानांतरण के रूप में काम में लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, पादपों में काम में लिया जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 के बाद में 28 आ जाएगा, जीन क्लोनिंग में प्रयुक्त एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए क्या कहलाता है। जीन क्लोनिंग में हम जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए काम में लेते हैं वो क्या कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है ट्रांसपोजोम, सेकंड है इंड्रोन, थर्ड है एक्जोन, फोर्थ है प्लाज्मिड। अब देखो जो हम बैक्टीरिया की संरचना देखते हैं इस प्रकार से, एक तो जो मुख्य डीएनए होता है और एक होता है इस प्रकार से एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है और ये गोलाकार डबल स्टैंडर्ड होता है, इसे ही हम कहते हैं प्लाज्मिड कहते हैं, प्लाज्मिड, इसे ही प्लाज्मिड कहा जाता है। ट्रांसपोजोन होता है, इसे हम जंपिंग जीन कहते हैं, जंपिंग जीन कहते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंपिंग करके जाती रहती है। और एक और चीज़ है यहाँ पर ध्यान में रखनी, इस जंपिंग जीन की खोज है ये बारबरा मैंक्लिनटॉक के द्वारा की गई थी, मैंक्लिनटॉक जो है इसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। इंट्रोन एक्सोन ये आपके जीन के ही पार्ट हैं, लेकिन जो पूछा है यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन थर्ड फोर्थ हो जाएगा, प्लाज्मिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा, पीसीआर के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जा चुका है और इसकी खोज मैंने आपको बता दी केरीमुलिस के द्वारा की गई थी, जिसमें डीएनए की कॉपियां बनाई जाती है, डीएनए की बहुत ही कम समय में डीएनए की हजारों की संख्या में कॉपियां बनाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट है एंडोन्यूक्लिएज, सेकंड है राइबोन्यूक्लिएज, थर्ड है टेक पॉलीमरेज और फोर्थ है डीएनए आरएनए पॉलीमरेज। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टेक पॉलीमरेज जो है, टेक पॉलीमरेज है ये पीसीआर में काम में लेते हैं जिसे बहुत सारी कॉपियां बनाई जाती है और ये प्राप्त किससे होता है, तो थर्मस एक्वाटिकस जो बैक्टीरिया होता है उससे प्राप्त किया जाता है जो अधिक टेम्परेचर पर भी जीवित रह सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 के बाद में आता 30, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से संबंधित है, किससे संबंधित है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।
फर्स्ट है डीएनए सैंपल की प्रोफाइल के आणविक विश्लेषण से संबंधित इम्प्रिंटिंग डिवाइस की सहायता से डीएनए सैंपल के विश्लेषण में। थर्ड है डीएनए के विभिन्न स्पेसिमेन के आणविक विश्लेषण की तकनीक से। और फोर्थ है विभिन्न व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट्स की पहचान की तकनीक से। तो डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है, तो सामान्य हम बात करें तो डीएनए प्रिंटिंग फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग हम क्या करते हैं, जैसे कोई अपराध हो गया या कोई बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती है, तो उसमें जो अपराधी है उसका पता लगाने के लिए सामान्यतः डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो इम्प्रिंटिंग डिवाइस की सहायता से डीएनए सैंपल के विश्लेषण के रूप में इसका काम में लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट है जेफरीज एंड एट ऑल, यानी कि जेफरी और उनके साथी वैज्ञानिक, स्लीडन एंड स्वान, बॉयसन एंड जेनसन, एडवर्ड एंड स्टेपियर। तो यहाँ पर हम बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की खोज है जेफरीज एलेक जेफरी, फुल नेम हो जाएगा एलेक जेफरी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। 32 की हम बात करें तो कौन सी तकनीक अपराध विज्ञान से विज्ञान में सहायक है, अपराध विज्ञान में सहायक है? जेनेटिक इम्प्रिंटिंग, डीएनए फुटप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और उपरोक्त सभी। तो यही हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सहायक है। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन बताया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न से संबंधित है, विभिन्न व्यक्तियों की फिंगर प्रिंट्स की पहचान की तकनीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 33। सर्दन ब्लोटिंग टेक्निक का प्रथम चरण होता है। सर्दन ब्लोटिंग टेक्निक में हम डीएनए के खंडों का पता करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है केंद्रित कोशिका में कोशिका से डीएनए का पृथक्करण जो अपराध स्थल से प्राप्त हुई है। विशिष्ट प्रोब के साथ संकरण के लिए जेल के ऊपर डीएनए का विकृतीकरण। आनुवंशिक रूप से समान कोशिका के समूह का उत्पादन। और डी हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का डीएनए का पाचन। अब देखो ये भी यहाँ पर देखो केंद्रक युक्त कोशिका से डीएनए का पृथक्करण जो अपराध स्थल से प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले तो हम सर्दन ब्लोटिंग टेक्निक में डीएनए का पृथक्करण ही करते हैं, लेकिन जो इस सर्दन ब्लोट टेक्निक के अंदर हम बात करें तो वो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा डीएनए का पाचन या काटना, ये होता है फर्स्ट टेक्निक, फर्स्ट जो हम बात करें तो चरण। 34 वह तकनीक जिसमें फॉरेन डीएनए जो विदेशी डीएनए होता है लक्ष्य कोशिका में टारगेट सेल्स में जाने के लिए धातु कण की सह प्रक्षेपित किया जाता है, यानी कि टेक्निक्स जो है उसके अंदर कोई विदेशी डीएनए लेते हैं और उसकी लक्ष्य कोशिका में टारगेट किया जाता है और उस डीएनए को धातु कण पर अक्षेपित करके किया जाता है। तो इसमें हम एक तो टंगस्टन ले सकते हैं धातु के रूप में, टंगस्टन ले सकते हैं, सोना ले सकते हैं, ये धातु काम में ले सकते हैं। फर्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन में तो हम क्या करते हैं, सीधा ही इंजेक्शन के माध्यम से डीएनए को ट्रांसफर करवाया जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन, इसमें क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र या विद्युत का उपयोग करके उसमें छिद्र बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा। पार्टिकल गन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो जीन गन भी इसे हम कहते हैं, जीन गन भी इसे कहते हैं। तो जीन गन या पार्टिकल गन के द्वारा फॉरेन डीएनए को किसी आने जो टारगेट कोशिका उसमें ट्रांसफर करवाया जाता है। फोर्थ है केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, तो इसमें कोई भी केमिकल जो सबस्टेंस है वो यूज करते हैं, उसके साथ डीएनए को जोड़ते हैं और फिर उसके द्वारा ट्रांसफर करवाया जाता है। यहाँ पर अब देखो जो माइक्रो इंजेक्शन है, इलेक्ट्रोपोरेशन है और पार्टिकल जीन है, केमिकल इसको छोड़कर के सभी के यहाँ प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधियां हैं, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्लेवर शावर आनुवंशिक रूप से रूपांतरित है, तो फ्लेवर शावर एक आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किया गया है, ये किस प्रकार का है, ये यहाँ पर पूछा, कपास, चावल, टमाटर, आलू। तो यहाँ पर देखो फ्लेवर शावर टमाटर हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि सामान्यतः टमाटर जो होता है ये कुछ ही समय में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, गलने लग जाता है। इस चीज को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि इस टमाटर को हम किस प्रकार बचा सकते हैं, तो इसके लिए इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड रूप से टमाटर तैयार किया गया, जिसे नाम क्या गया दिया गया फ्लेवर शावर। और इसमें जो इसकी जो भित्ति होती है टमाटर की, वो भित्ति इतनी मजबूत बनाई गई कि इसको अगर किसी दीवार से भी हमारे तो सामान्यतः वो टूटती नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा टमाटर, इंपॉर्टेंट है ये फ्लेवर सावर, किसका आनुवंशिक रूप रूपांतरित रूप है, टमाटर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 के बाद में 36। टमाटर की फ्लेवरफुल सेल्फ लाइफ को निम्न के द्वारा बढ़ाया गया था, यानी कि टमाटर में जो भित्ति होती है उस भित्ति को किसके द्वारा मजबूत किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है अधिक विकसित संग्रहण तकनीक द्वारा, सेकंड है पॉलीग्लेक्टोर यूरिनेज एंजाइम की सक्रियता को कम करके, थर्ड
पॉलीग्लेक्टो यूरिनेज एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा करके, और फोर्थ हो जाएगा बाह्य तवषणा वर्धी करके तैयार किया गया था। अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो जो टमाटर से संबंधित ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है उसमें आपके दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और इंपॉर्टेंट में हम बात करें तो कौन कौन से बनते हैं वो भी हमें ध्यान में रखना है। एक तो आपको ध्यान में रखना है जो आपका बीटी कॉटन वाला आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो वो थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि बीटी कॉटन में जो हम काम में लेते हैं क्राइजिन वगैरह वो किस प्रकार से यूज करते हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। सेकंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा पॉलीग्लेक्टो यूरिनेज जो एंजाइम है इसकी सक्रियता कम कर देते हैं। ये क्या करता है, टमाटर की भित्ति को गलाने लगता है, यही इसकी वजह से गलती है। तो इसको कम कर देंगे तो टमाटर की भित्ति मजबूती से बनी रहेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 के बाद में आता है 37। ट्रांसजेनिक पिग्स यानी कि सुअर जिनमें मानव प्रतिजन के लिए जीन होते हैं ये उपयोगी होते हैं। तो ट्रांसजेनिक जो पिग होते हैं उनमें मानव प्रतिजन मानव जो एंटीजन होते हैं उनके लिए जीन उपस्थित होते हैं, तो ये किस लिए उपयोगी होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है उत्तम मानव खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने में, सामान्य मानव रोगों के लिए रोग प्रतिरोधकता में, सभी मुख्य रक्त कारकों की उपस्थिति में, और फोर्थ अंग प्रत्यारोपण में। तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अंग प्रत्यारोपण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, बायो रेमेडिएशन है। बायो रेमेडिएशन क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है आनुवंशिक अभियांत्रिकी से तैयार किए गए जीव को औषधि उत्पादन में समर्थ होते हैं। सेकेंड है जैविक नियंत्रण में, और थर्ड हो जाएगा वातावरण का जैविक शुद्धिकरण में। तो जो बायो रेमेडिएशन है ये जैविक नियंत्रण और वातावरण का जैविक शुद्धिकरण दोनों में ही उपयोगी है, तो ये दो तीन दोनों ही हो जाएंगे। 39 बीटी विष क्या है। तो ये बीटी विष जो है ये कॉटन का जेनेटिकली मॉडिफाइड रूप है, इसमें जो क्राइजिन होते हैं वो उपस्थित होते हैं, और ये क्राइजिन जो आपका गोल कर्मी जो उसके लिए क्या होता है रेसिस्टेंस पैदा करता है। और ये इसमें जो बैक्टीरिया जो यूज किया गया था वो है बेसिलस थुरिंजियसिस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और अब की बार भी आने की संभावना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बीटी विष है ऑप्शन फर्स्ट है, जो बीटी कॉटन की हम बात करें बीटी कॉटन किससे प्राप्त किया गया था बेसिलस थुरिंजियसिस, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गोलकर्मी, इसमें क्राइजिन काम में ले जाती है। बीटीविस है एक्जोटॉक्सिन जीव विघटक कीटनाशी, एक्जोटॉक्सिन एजैव विघटन कीटनाशी, एंडोटॉक्सिन एजैव विघटन कीटनाशी, और एंडोटॉक्सिन जैव विघटन कीटनाशी। तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एंडोटॉक्सिन जैव विघटन कीटनाशी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, पादप जगत का प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता किसे कहते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसे कहा जाता है प्लांट किंगडम का, पादप जगत का। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, बेसिलस थुरिंजियसिस। तो इसे जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है इसे पादप जगत का प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता कहते हैं। बेसिलस थुरिंजियसिस मैंने बता दी, इससे क्या हो गया बीटी कॉटन तैयार किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, पादपों में जीन को प्रवेश कराने के लिए प्रयुक्त टीआई प्लाज्मिड निम्न से प्राप्त होता है। तो पादपों में जीन का प्रवेश करवाने के लिए जो टीआई प्लाज्मिड है किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट है एस्चेरिचिया कोलाई, सेकंड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, थर्ड है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस, और फोर्थ है क्लेस्बिसेला। तो यहाँ पर देखो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है इसका उपयोग किया जाता है सामान्यतः हम बात करें तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, जीन गन निम्न की सहायता से कोशिकाओं में जीन का प्रवेश कराते हैं। जीन गन निम्न की सहायता से कोशिकाओं में जीन का प्रवेश कराते हैं। तो जीन गन के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन फर्स्ट है प्लाज्मिड, सेकंड है कोस्मिड, थर्ड है माइक्रोस्कोपिक प्लेट्स, और फोर्थ है फेजमिड। तो माइक्रोस्कोपिक प्लेट्स हो जाए।
43। जीन की स्थानांतरण के लिए किसका वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है? जीन स्थानांतरण के लिए इनमें से कौन से जिनका वाहक के रूप में उपयोग करते हैं? बीएससी, बेसिलस आर्टिफिशियल, और ये YAC, और फोर्थ हो जाएगा प्लाज्मिड। इन सभी से तो BAC भी होता है, बेसिलस आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ये मैं आपको देख करके बता दूंगा, YAC का फुल फॉर्म क्या है, BAC की फुल फॉर्म क्या, जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें आपको मैं इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। BAC, YAC और प्लाज्मिड, ये तीनों ही क्या होते हैं, जीन स्थानांतरण के वाहक होते हैं, और ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। किस आनुवंशिक असामान्यता में एडेनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की कमी होती है? तो किस आनुवंशिक असामान्यता में एडेनोसिन डी एमिनेज एंजाइम की कमी हो जाती है? एडेनोसिन डी एमिनेज, फर्स्ट है एल्जाइमर डिजीज, सेकंड है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, और फोर्थ है स्किड SCID, और डी हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। अभी इसकी फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था, BAC की फुल फॉर्म हो जाएगी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ही होगी, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये दोनों ही आपको ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करें, तो ये जो एडेनोसिन डीएमएनएज एंजाइम की कमी होती है, तो ये किस में होता है सामान्यतः हम बात करें तो ये होता है आपके स्किड जो बीमारी है, SCID, जो स्किड बीमारी होता है इसमें होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न के कारण पादपों तथा जंतुओं में वांछित लक्षण प्राप्त करना संभव हो गया? किसके कारण पादपों और जंतुओं में जो हम चाहते हैं उसी प्रकार के लक्षण प्राप्त करना संभव हो गया? ऑप्शन फर्स्ट है टिश्यू कल्चर, सेकंड है जेनेटिक इंजीनियरिंग, थर्ड है ये इकबाना टेक्निक, और फोर्थ है क्रोमोसोम इंजीनियरिंग। तो ये ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। 45 के बाद में आता 46। निम्न के द्वारा ट्रांसजेनिक पादप विकसित किए गए थे? किसके द्वारा किए गए थे ट्रांसजेनिक पादप? ऑप्शन फर्स्ट है फॉरेन जीन्स के प्रवेश से, सेकंड है जीन उत्परिवर्तनों से, थर्ड है गुणसूत्र के निश्चित भागों को हटाकर, फोर्थ है तर्कों के निर्माण से। तो ये फॉरेन जीन्स के प्रवेश के कारण ही क्या जेनेटिक जो आपके पादप है वो विकसित किए गए हैं। 46 में क्या हो जाएगा, फॉरेन जीन्स के प्रवेश से। 47, क्लोनिंग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बेस्ट वास्तविक जीन प्रारूप को प्रतिस्थापित करना, जीन प्रारूप को संरक्षित करना, एस्चेरिचिया कोलाई में जीन का उत्पादन करना, फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जीन प्रारूप संरक्षित करना हो जाएगा, 47 हो जाएगा इसका आंसर, जीन प्रारूप। 1 मिनट, यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, वास्तविक जीन प्रारूप को प्रतिस्थापित, जीन प्रारूप ये भी सही हो जाएगा, लेकिन वास्तविक जो पहले से पैतृक में जो जीन प्रारूप है उसी को प्राप्त करना या प्रतिस्थापित करना ही क्या हो जाएगा, क्लोनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। वह तकनीक जिसमें प्लाज्मिड वाहक के डीएनए में वांछित जीनों का प्रवेश करवाया जाता है, कौन सी तकनीक है जिसमें प्लाज्मिड वाहक के डीएनए में वांछित जीनों का प्रवेश कराया जाता है? तो यहाँ पर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट है जीन स्प्लाइसिंग, जीन ट्रेसिंग, जीन क्लोनिंग, जीन ड्राफ्टिंग। तो हम क्लोनिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। एंजाइम टैग पॉलीमरेज, डीएनए टैग पॉलीमरेज जो है निम्न से प्राप्त होता है, ऑप्शन फर्स्ट थर्मस एक्वाटिकस, ट्राइकोडर्मा एक्वाटिका, ट्रेमिटोडा एक्वाटिकस, और फोर्थ है इनमें से सभी। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि डीएनए टैग पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है, तो थर्मस एक्वाटिकस से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। रूपांतरित ट्यूमर फ्री TI प्लाज्मिड जिसमें वांछित जीन रूपांतरित ट्यूमर फ्री रूपांतरित ट्यूमर फ्री TI प्लाज्मिड जिसमें वांछित जीन होती है, रूपांतरित ट्यूमर प्लाज्मिड जिसमें वांछित जीन होती है कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है कोसमिड, सेकंड है फेजमिड, थर्ड है TDNA, और फोर्थ है बैग। तो जो TDNA होता है ये देखो मैंने आपको बताया था PBR 322, और जो हम द्विबीजपत्री पादप हैं उनमें
जीन को स्थानांतरित करने के लिए काम में लेते हैं। तो जो टी डीएनए होता है यही क्या होता है, जिसमें टी आई प्लाज्मिड जिसमें वांछित जीन होती है उसे क्या कहते हैं, टी डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सुनहरी चावल भविष्य की निम्न सुधार के साथ ट्रांसजेनिक फसल है। तो सुनहरी चावल जो गोल्डन राइस था, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं। भविष्य की निम्न सुधार के साथ ट्रांसजेनिक फसल है ये। तो ये किससे किसमें उपयोगी है, सामान्यतः हम बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट है कीट प्रतिरोधी, सेकंड है लाइसिन की अधिक मात्रा आवश्यक अमीनो अम्ल, थर्ड है प्रोटीन की अधिक मात्रा, और फोर्थ हो जाएगा विटामिन ए की अधिक मात्रा। तो सुनहरी चावल जो होती है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और इसमें हम बात करें तो विटामिन ए की बहुत ही अधिकता होती है, प्रचुरता होती है। तो विटामिन ए की अधिक मात्रा होने के कारण ये सुनहरी चावल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है, ऑर्गेनिज्म है, यानी कि फसल है, ट्रांसजेनिक फसल है। तो इस प्रकार से हमारे आज के टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, और साथ में हमने थ्योरी भी डिस्कस की है, इस कारण 50 प्लस क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित और क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है और इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे जाने हैं। आज के लिए इतना ही है। वीडियो को यदि आपने चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।